नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर सीटल ज्ञान चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कोई भी एक्सेल में मेरा नाम हो अगर वो हिंदी में हो तो उसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी एक एक्सेल सीट ओपन कर ली है, इसमें मैंने कुछ नाम हिंदी में लिखा हुआ है, अब इसको मुझे एक साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले किसी ब्राउज़र पे चलना होगा। ब्राउज़र पे जाने के बाद हम उसमें गूगल सर्च करेंगे। गूगल सर्च कर लेने के बाद में आपको इसमें गूगल सीट एंटर करना होगा, उसके बाद सर्च करना होगा तो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा गूगल सीट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद पर्सनल वाले गो टू गूगल सीट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको प्लस सिंबल पर क्लिक कर लेना है जो कि ब्लैंक पेज है। तो इस प्रकार आपको एक्सेल सीट ओपन होती मिल जाएगी। तो ये नेट से ब्राउज होने के बाद पूरी तरह से खुल जाएगी। अब आप देख सकते हैं एक्सेल सीट ओपन हो गई है। तो आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल सीट की सारी कॉपी करके आपको ब्राउज़र पर चल कर गूगल सीट में कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर देना है। चलिए हम इसे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी की मदद से। उसके बाद में हम इसको सही से आयत में इसके सारे रो को बराबर कर लेंगे। और नाम वाले कॉलम को थोड़ा बढ़ा लेंगे। इसे हम माउस का कर्सर रख के थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसको जो मुझे ट्रांसलेट करना है इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब बढ़ा लेने के बाद में आपको यह देखिए नाम पूरा हिंदी में है। हमें एक फार्मूला नाम के सामने लगाना होगा जो कि होगा सबसे पहले बराबर का चिन्ह, उसके बाद में हम इसमें GOOGLE इस तरह लिखेंगे तो नीचे गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका कोष्ठक ओपन हो जाएगा, उसमें आपको लिखना होगा जिस कॉलम से आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं ट्रांसलेट, वहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो अपने ऑटोमेटिक उस कॉलम को ले लेगा। तो जैसे मेरा कॉलम नंबर बी का 3 नंबर है तो मैं यहाँ पर B3 लिख दे रहा हूँ। देखिए हाईलाइट होगा, उसके बाद कामा लगा देंगे, उसके बाद एक स्पेस देंगे, उसके बाद ऊपर इनवर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे। और मुझे जैसे हिंदी से इंग्लिश में करना है, इसके लिए HI इनवर्टेड कामा बंद, उसके बाद फिर से नीचे एक कामा लगाएंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद इनवर्टेड कामा फिर से चालू करेंगे जो कि आपको मैं ऊपर दिए गए फार्मूले के अनुसार लगा लेना होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह EN लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद पूरा कोष्ठक मुझे बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद आप देखेंगे इस तरह का फार्मूला लगेगा। वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, तभी समझ में आएगा। उसके बाद में आप इस माउस कर्सर को जितना नीचे खींचते जाएँगे वो सारे हिंदी में लिखे नाम इंग्लिश में ट्रांसलेट होते चले जाएँगे सामने उसके। तो चलिए मैं कुछ नाम मैंने नोट करके रखा है उसे हम नीचे टाइप कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो आप देखेंगे जो मैंने नाम हिंदी में टाइप किया वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। मैं दूसरा नाम अब ट्रांसलेट कर रहा हूँ हिंदी में टाइप करके, तो यहाँ पे हिंदी पे, उसके बाद इंटर प्रेस किया। तो इस प्रकार फ्रेंड, जितनी आप माउस कर्सर को नीचे खींचते जाएँगे और आप सामने लिखते जाएँगे वो सारे नाम आपकी अमेजिक मैजिक की तरह ट्रांसलेट होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फार्मूले का बहुत सख्त और बहुत सावधानी से प्रयोग कीजिएगा, तभी ये प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो छोटा सा रहा लेकिन आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।